आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपका सीडीपी में टॉपिक है आपका नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि प्रकृति बनाम पोषण। इससे पहले आई थिंक 7 से 8 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है सीडीपी का, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी दोनों चीज़ों को एक एक करके आपको बहुत ही ल्यूसिड मैनर में कवर कराए थे। और आज हम लोग थ्योरी पार्ट को देखेंगे नेचर वर्सेस नर्चर का, और जब आप थ्योरी पार्ट को समझ जाएंगे तब इसका MCQ पार्ट को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर हम लोग साइकोलॉजी में देखें और चाइल्ड डेवलपमेंट में देखें तो ये नेचर वर्सेस नर्चर का जो टॉपिक है ये बहुत ही विवादित मुद्दा हम लोग कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा बहस हो सकती है कि आखिर कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका पोषण यानी कि नर्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपका एक सब टॉपिक के अंडर आता है, वो है आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, उसी में आपका प्रकृति वर्सेस पोषण वाला टॉपिक है आपका। अब ये जो बहस होगा जिसमें हम लोग देखेंगे प्रकृति वर्सेस पोषण, ये बहस किस चीज़ पर केंद्रित है कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास है, डेवलपमेंट है, या किसी बच्चा का डेवलपमेंट, विशेष रूप से उसका मेंटल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका व्यवहारिक विशेषताएं, उसका जो भी जन्मजात गुण है के कारण होती है या पर्यावरणीय प्रभाव के कारण होती है। यानी कोई व्यक्ति जो भी बड़ा होकर बनते हैं विकास होने के बाद, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है, प्रकृति या पोषण। इन दोनों को हम लोग बहुत ही डिटेल वे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकृति के बारे में यानी कि नेचर के बारे में। नेचर क्या है, इसे हम लोग इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। नेचर को हम लोग यहाँ इन्वायरमेंट से भी हम लोग डील कर सकते हैं, क्योंकि एक आपका पूरा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, उसी का सब टॉपिक है आपका नेचर वर्सेस नर्चर। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति का तात्पर्य इस लिहाज में जिसमें हम लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रकृति मतलब होता है आनुवांशिक गुण यानी कि हेरिडिटरियल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल फैक्टर से है जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद होता है। यानी आपका जो भी हेरिडिटी होगा ये आपको कब से मिला होगा, जन्म से ही मिला होगा। और ये कहाँ से प्राप्त होती है हम लोगों को, ये माता पिता से संतान को मिलने वाले जैविक गुण है। कौन सा चीज, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। और कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती है हर एक व्यक्ति में पाया जाता है, जैसे कि भाषा सीखने की क्षमता। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब बच्चे होते हैं तब हम लोग क्या, भाषा सीखने की क्षमता हम लोगों को जन्मजात पहले से ही मिला हुआ होती है। कुछ जेनेटिक्स बीमारियां हो सकती है जो जन्मजात प्रवृत्ति का होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होती है। तो ये सारे पॉइंट जैसे कि हो गया आपका आनुवंशिकता, DNA, जन्मजात क्षमताएं और उसकी लिमिट्स, शारीरिक संरचना, ये सारा किसका पार्ट है, नेचर का पार्ट है यानी कि प्रकृति का पार्ट है। प्रकृति जैसा प्रदान करेगा वैसा ही हम लोग रिसीव करेंगे। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, किसके कहाँ पर, नेचर में, क्योंकि ये हम लोगों को पहले से मिला हुआ रहेगा जो कि डिपेंड करेगा हम लोगों का हेरिडिटी पर, हम लोगों का आनुवंशिकता पर, हम लोगों का पूर्वजों के DNA पर। तो यहाँ आपको नेचर समझ में आ गया कि आखिर नेचर किस किस चीज़ को डील करता है। अब हम लोग पोषण को समझेंगे। उससे पहले अगर आप JTET एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारा पेड और फ्री इनिशिएटिव JTET के लिए चलाई जा रही है। आप अगर पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो भी आप एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम नैनो एप्लीकेशन के थ्रू। पेपर 1, पेपर 2 बोथ कोर्सेज अवेलेबल है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा नर्चर के बारे में, पोषण के बारे में। जैसे ही किसी बच्चा का जन्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको नर्चर करना शुरू कर देते हैं, उसका देखभाल करना शुरू कर देते हैं, सो दैट उस बच्चा का डेवलपमेंट सही दिशा में हो और उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल माता पिता, स्कूल और हम लोग ध्यान रखते हैं जब किसी बच्चे के विकास का जिम्मेदारी हम लोगों के पास होती है। तो पोषण क्या है, तो पोषण उन पर्यावरणीय कारकों को यानी कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है जो व्यक्ति के विकास में भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका शिक्षा आएगा, जो भी हम लोग स्कूली शिक्षा प्रदान करेंगे किसी बच्चे को तो वो नर्चर के कैटेगरी में आएगा। जो सोशल इन्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे बच्चा को वो आपका नर्चर के कैटेगरी में आएगा। जो कल्चर हम लोग प्रोवाइड करेंगे ये भी आपका नर्चर के कैटेगरी में आएगा। और फैमिली का जो इफेक्ट है, परिवार का प्रभाव, ये भी आपका नर्चर के कैटेगरी में आएगा। तो अगर हम लोग पोषण के बारे में बात करें, इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या हो जाएगा, शिक्षा और प्रशिक्षण। यानी इसमें विद्यालयी शिक्षा है, घर के मेंबर के द्वारा जो बच्चों को शिक्षा दिया जाता है वो शामिल है, और इसमें शिक्षक का प्रभाव शामिल है। हम लोग क्या जानते हैं, जो बच्चे होते हैं वो जब स्कूल आते हैं तो उसमें किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। पहला तो उस विद्यालय के माहौल का प्रभाव पड़ता है उस बच्चे पर। दूसरा, जो टीचर पढ़ाते हैं यानी कि आप जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका प्रभाव भी उस बच्चे पर पड़ेगा। अगर आप पूरा पॉजिटिव रहेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपके जो बच्चे हैं वे भी पूरा पॉजिटिव सेंस में सारे कामों को करेंगे। और टीचर ही अगर नेगेटिव रहेगा तो सारे बच्चे भी कैसा हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आपको फॉलो करेंगे। आप वहाँ पर गुरु है, आप वहाँ पर क्या है, गुरु है, और बच्चे क्या वहाँ पर, बच्चे आपका फॉलोअर है। अगर हम लोग बात करें सोशल मीडिया के सेंस में तो बच्चे आपका फॉलोअर होंगे। आप जिस प्रकार का फॉलोअर बनेंगे बच्चे का विकास भी उसी प्रकार से होगा। तो नेचर और नर्चर ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेचर में हम लोग बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो जेनेटिकली डेवलप होती है, और पोर्शन जो है नर्चर, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, और इसमें हम लोग अपना इनपुट जो है डाल सकते हैं। अब हम लोग आगे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ पर है, नर्चर में ही हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा है आपका फैमिली इन्वायरमेंट। हम लोग जानते हैं कि परिवार के सदस्यों का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ते हैं, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पड़ते हैं। साथ ही साथ बच्चों को जिस प्रकार का पालन पोषण की शैली हम लोग अपनाएंगे बच्चे का भी डेवलपमेंट उसी प्रकार से होगा। फिर आपका सोशल और कल्चरल फैक्टर यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रकृति और पोषण का समन्वय यानी दोनों का कोऑर्डिनेशन। अब मैक्सिमम मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री क्या मानते हैं कि व्यक्ति का विकास जो है प्रकृति और पोषण दोनों के समन्वय से होता है। यानी कि यहाँ पर एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। यानी ये हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका प्रकृति हो गया, और दूसरा ये हो गया आपका एनवायरमेंट। तो ये जो बीच का जगह है जहाँ पर दोनों का समन्वय बन रहा है, किसका किसका, आपका प्रकृति नेचर और दूसरा आपका एनवायरमेंट, यहाँ पर सबसे बेस्ट डेवलपमेंट होता है बच्चा का। और बहुत सारे शिक्षा शास्त्री का ही मानना है कि व्यक्ति का विकास प्रकृति और पोषण दोनों के समन्वय से होता है। तो ये जो आपका ग्रे पॉइंट जो ड्रॉ कर रहे हैं हम डार्क में, यहाँ पर बच्चे का विकास सर्वोत्तम होगा। सिर्फ नेचर से पूरा का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा और सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर से पूरा का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। दोनों का ही क्या होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। नेचर वर्सेस इन्वायरमेंट दोनों का ही समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब बच्चे का विकास सबसे बेहतर और सबसे सर्वोत्तम होगा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ एक एक पॉइंट को देखते जाएंगे। जैसे एक बच्चा मान लेते हैं कि जन्मजात यानी हेरिडिटी से क्या मिला, उसके किस प्रकार से बच्चा जन्म लिया, बुद्धिमत्ता के साथ जन्म ले सकता है, लेकिन उसकी शैक्षणिक सफलता उसके पर्यावरण और शिक्षा पर निर्भर करते हैं। मान लेते हैं कि बच्चा जो है बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट बच्चा जन्म लिया, बट उसको इन्वायरमेंट उस टाइप से नहीं मिला जिस टाइप से मिलना चाहिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, तो वो बच्चा क्या आपको लगता है कि वो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएगा या लाइफ में अच्छा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आपको समझना होगा कि दोनों का ही जरूरत है, किसका, नेचर का भी और नर्चर का भी, यानी कि हेरिडिटी का भी और आपका एनवायरमेंट, दोनों का ही समन्वय इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग, संज्ञानात्मक विकास, तो बच्चे की मानसिक विकास में दोनों ही कारकों की भूमिका होती है। दोनों कारक का मतलब आप समझ जाइएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नेचर वर्सेस नर्चर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी दोनों कारकों की मेल का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम लोग देखेंगे कि बाल विकास में प्रकृति और पोषण की भूमिका। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम लोग देख लिए कि आनुवंशिकता के साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य देखभाल का महत्व तो इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में दोनों का ही योगदान होता है। फिर इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे तो भावनाओं और सामाजिक कौशल के विकास में पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का प्रभाव होता है। किसी भी बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है और सोशल डेवलपमेंट होता है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है समाज और परिवार। जिस प्रकार का पारिवारिक परिवेश उसको मिलेगा उसी प्रकार से उसका इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होगा। जिस प्रकार का उसको स्कूल में माहौल मिलेगा उसी प्रकार से उसका सोशल डेवलपमेंट होगा। कल्चरल के केस में वही हो जाएगा। अब हम लोग कुछ उदाहरण के साथ देखेंगे। जैसे पहला पहलू लेंगे हम लोग आनुवांशिक और वंशानुगत प्रभाव, यानी कि आपका हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चा पर। तो ये जो हेरिडिटी वाला पार्ट है, जो प्रकृति का पार्ट है, ये किसके द्वारा निर्धारित होता है, ये जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं, डीएनए के द्वारा निर्धारित होती है। इसमें आपका डीएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आनुवंशिकता में। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर आपका आनुवंशिकता इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे आपका बच्चों में जो सोने का पैटर्न होता है, स्लीपिंग पैटर्न होता है, ये मैक्सिमम केस में आनुवंशिक होता है। यानी आप देखे होंगे कि आपके पापा जिस प्रकार से सोते होंगे आप भी उसी प्रकार से सोते होंगे बच्चे के, जब आप बच्चे थे तब। अब हो सकता है चेंज हो गया, या हो सकता है अभी भी वही पैटर्न आप भी फॉलो करते हैं अपने पापा के। अब हम लोग देखेंगे कि शिशु का जो 60% हिस्सा होते हैं स्वभाव का, बिहेवियर का, वो आनुवंशिक होता है। बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे कि उसको कितना आप प्यार कर ले बट वो चिड़चिड़ा ही रहेगा। क्यों रहेगा कि इसको, क्योंकि उसका जेनेटिकली फैक्टर चिड़चिड़ापन है। कोई बच्चा देखे होंगे आप कि बहुत ही खराब माहौल है बट वो खुश है, क्यों खुश है? क्योंकि उसका जेनेटिक वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 60% हिस्सा किसका है, जेनेटिक्स का है। फिर गतिविधि का स्तर, कोई बच्चा एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसमें भी आपका डीएनए का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। फिर अगर हम लोग पोषण की वाला बात करेंगे तो पोषण वाला बात में क्या आ जाएगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा और जो इन्वायरमेंट से प्रभावित होगा, ये सारा आपका पोषण में आ जाएगा। तो जैसे कि आपका सूरज के प्रकाश के संपर्क में आने से खराब नींद के पैटर्न में सुधार हो सकता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी बच्चे का नींद का पैटर्न खराब हो गया, तो अगर वो सनलाइट में रह के सोएंगे या सनलाइट के टच में आएगा तो उसका नींद का पैटर्न सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर्यावरण का एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव भी पड़ सकता है, और सोने के समय की दिनचर्या बेहतर नींद लाने में सहायक हो सकती है। तो ये सारा चीज आपका किस पर आ जाएगा, पोषण यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाएगा। ये सर हम चाइल्डहुड के केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बाल विकास में प्रकृति और पालन पोषण की क्या भूमिका है। तो अगर हम लोग आनुवंशिकता देखेंगे एक साइड, और एक साइड हम लोग पर्यावरण देखेंगे। तो मस्तिष्क में वृद्धि के केस में देखेंगे तो जन्म के समय मस्तिष्क की क्या होती है, एक मूल संरचना होती है जो कौन डिसाइड करता है, आपका हेरिडिटी डिसाइड करता है। फिर आपके इधर देखेंगे हम लोग पर्यावरण के केस में, तो प्रारंभिक अनुभव तंत्रिका कनेक्शन को आकार देता है, यानी ये पर्यावरण इफेक्ट करता है कि आपको शुरुआत में किस प्रकार का माहौल मिला, उसी प्रकार से आपका जो न्यूरल कनेक्शन है वो शेप्ड होगा, वो आकार लेगा। सीखने का चरण, तो जैसे भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता होती है, ये हम लोगों को कहाँ से मिलती है, हेरिडिटी से मिलती है। फिर अगर आप पर्यावरण के केस में देखेंगे तो आप 1 से 2 भाषा, 2 भाषा से 3 भाषा सीख सकते हैं। यहाँ पर कौन रोल प्ले करेगा, आपका पर्यावरण रोल प्ले करेगा। आप टीचर से दूसरा लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। तो ये चीज आपका कौन अफेक्ट कर रहा है, पर्यावरण। भावनात्मक विकास देखेंगे अगर, आनुवंशिक स्वभाव जो है ये कौन डिपेंड, आनुवंशिक स्वभाव ये कौन डिनोट करता है, आपका हेरिडिटी। बट यहाँ पर आप पर्यावरण के केस में देखेंगे तो देखभाल की प्रतिक्रियाशीलता भावनात्मक सुरक्षा को आकार देती है। फिर संवेदी देखेंगे अगर हम लोग, फिर यहाँ पर वंशानुगत मनादस प्रवृत्तियाँ, ये आपका प्रकृति इसको डील करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस ये आपको कौन डील करता है, आपका इन्वायरमेंट डील करता है। संवेदी शिक्षा के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो प्राकृतिक संवेदनशीलता हेरिडिटी के द्वारा तय होती है, बट बाद में जब हम लोग सीखने की क्षमता हम लोगों को बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, ये पर्यावरण से डिनोट होती है। अगर हम लोग शारीरिक विकास की बात करेंगे तो ऊंचाई, अपना हाइट वगैरह, ये सारा कौन डिनोट करेगा, आपका हेरिडिटी डिनोट करेगा। बट अगर पोषण, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य, हेल्थ, इस सारे चीज़ों को कौन डिनोट करेगा, आपका पर्यावरण। कुछ बीमारियां होती है जैसे ADHD हो गया, ASD हो गया, ये सारा हेरिडिटल बीमारी होती है। बट कुछ ऐसे भी बीमारी होती है जो पर्यावरण से अफेक्टेड होती है, जैसे कि तनाव, स्ट्रेस हो गया, देखभाल की कमी, चोट लगना, ये सारे पर्यावरणीय विकास को डिनोट करेगा। सामाजिक कौशल, कुछ जन्मजात सामाजिक प्रवृत्तियां होती है हम लोगों की जो हेरिडिटी से मिला हुआ होती है, बट हम लोगों का जो बातचीत करने की सोशल स्किल हो गया, या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की सोशल स्किल, किसी चीज़ को देखभाल करने की स्किल, ये सारे हम लोगों को कहाँ से मिलता है, पर्यावरण से मिलता है। अब एक पॉइंट आता है एपिजेनेटिक्स, ये आपका सीटेट में एक बार पूछा गया था कि एपिजेनेटिक्स क्या है। तो एपिजेनेटिक्स क्या है, प्रकृति और पालन पोषण के बीच हाथ मिलाने जैसा है। यह इस बारे में है कि हमारा पर्यावरण हमारे जीन से कैसे बात करता है, यानी साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है, ये हम लोगों का जो जीन है, इससे ये बात कर सकता है। भले ही दो लोगों के जीन एक जैसे हो, अलग बना सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 भाई है यहाँ पर, तो दोनों भाई का जीन तो सेम है, बट दोनों भाई का जो बिहेवियर है वो अलग अलग हो सकती है। क्यों अलग होगा, क्योंकि दोनों को में भी अलग अलग वातावरण पर पढ़ाई लिखाई हुआ है, अलग अलग वातावरण पर रहन सहन हुआ है, अलग अलग टीचर से शिक्षा मिली है। तो इसी चीज को हम लोग एपिजेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। यानी एपिजेनेटिक्स क्या करता है, प्रकृति और पालन पोषण के बीच हाथ मिलाने की कोशिश करता है। तो एपिजेनेटिक्स आप याद रखिएगा। तो एपिजेनेटिक्स से क्या फर्क पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपना जीन है इसको हम लोग एक किताब की तरह अगर समझेंगे तो एपिजेनेटिक्स क्या करता है, किताब को फिर से नहीं लिखता है, ये सिर्फ हाशिए पर नोट्स जोड़ता है। ये नोट्स हमारे अनुभवों से आते हैं, यानी जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका एक बुक है और यहाँ पर आपका एपिजेनेटिक जीन है, यहाँ पर आपका जीन पहले से इस किताब में लिखा हुआ है। तो एपिजेनेटिक्स आ करके इस पूरा का पूरा किताब को फिर से नहीं लिखेगा, बल्कि जो आप एक्सपीरियंस जो लर्न करेंगे आप इन्वायरमेंट से, अपने आस पड़ोस से, अपना दिनचर्या से, तो उन सारे चीज़ों को क्या करेगा, इस किताब में एपिजेनेटिक्स हाशिए पर छोड़ते जाएगा, उन सारे एक्सपीरियंस को जो आपको और बेहतर बनाएगा। तो अब आपका एपिजेनेटिक्स और बेहतर समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि शिक्षा शास्त्र यानी कि आपका पेडागोगी में शिक्षा शास्त्र में प्रकृति बनाम पोषण, तो टीचिंग मेथड्स में आप नेचर वर्सेस नर्चर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी स्टूडेंट की जो प्राकृतिक क्षमता और पोषण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या बना सकते हैं, शिक्षण की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो आपको समझना होगा कि 30 स्टूडेंट्स का हेरिडिटी अलग अलग है, 30 स्टूडेंट्स के इन्वायरमेंट अलग अलग है और 30 स्टूडेंट्स को लेकर के आपको क्लास को चलना है। तो वहाँ पर आपको इन दोनों चीज़ों को समझ अगर आपके पास है, नेचर क्या है नर्चर क्या है, आप कैसे इन सारी चीज़ों में इनपुट डाल सकते हैं, तो आप बेहतर क्या बना सकते हैं, टीचिंग, आप अपना टीचिंग को बेहतर प्लान कर सकते हैं। तो आप अपना टीचिंग मेथड्स को चूज कर सकते हैं, आप किस चीज़ को ध्यान में रख करके, प्रकृति और पोषण को ध्यान में रखते हुए। और अगर आपको प्रकृति और पोषण का ख्याल है तो आपको ये भी पता होगा कि हर एक छात्र में, हर एक व्यक्ति में क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करना है और सारे को इंक्लूसिव फॉर्मेट में लाना है। अब हम लोग देखें कि प्रकृति और पोषण क्या है, दोनों ही कारक व्यक्ति के समग्र विकास में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये आपको लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप अगर बेहतर जानेंगे तो आप अपना क्लास को बेहतर डील कर सकते हैं, जिससे बच्चों में क्या होगी, लर्निंग का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जाएगा। दूसरा, ये शिक्षा शास्त्रियों को ये समझने में हेल्प करता है कि उसको किस प्रकार का करिकुलम बनाना है, सो दैट बच्चे बेहतर सीख सके। अगर करिकुलम, शिक्षा शास्त्री करिकुलम कौन बनाता है, शिक्षा शास्त्री बनाते हैं, और शिक्षा शास्त्री इन सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करके करिकुलम बनाएंगे तो वो जो बच्चे सीखेंगे उन सारे किताबों को पढ़ करके, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं आएगा। तो इस चीज़ को हेल्प मिलेगा किसको, शिक्षक को भी और शिक्षा शास्त्री को भी। और आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा, इसका अलावा आप एग्जाम पास कर जाएंगे। ठीक है, तो अब कल के सेशन में हम लोग देखेंगे इसका जो है आपका MCQ क्वेश्चंस को। और सबसे अंत में, अगर आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेगा, JTET का कोर्सेज, झारखंड में जितने भी एग्जाम्स चल रही है उन सारे एग्जाम्स की कोर्सेज। तो अगर हम लोग JTET की कोर्सेज की बात करें, पेपर 1 का कोर्सेज अवेलेबल है, आप प्राइस देख सकते हैं, वहाँ पर डिस्काउंट कोड आपको दिखेगा, उस कोड को आप वहाँ अप्लाई कर दीजिएगा तो वो अप्लाई हो जाएगा आपका। ये कोड बार बार चेंज होते रहता है, उसको ध्यान में दीजिएगा, ये मार्केटिंग वाली टीम करते रहती है सारे चीज़। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आपको जो JTET पेपर 1 का कोर्स है, इसमें आपको क्षेत्रीय भाषा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी आपका CDP 30 मार्क्स कवर हो जाएगा, नोट्स और MCQ प्रैक्टिस सेशन, और साथ ही साथ सबसे बड़ा बात कि इसमें आपको 15 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्जाम पैटर्न, जो आपका NCERT और JCERT बेस होगा। GS का 30 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर 1 में EBS हटा दिया गया है। भाषा का इंग्लिश हिंदी का नोट्स देखने को मिलेगा आपका, जो कि 15-15 मार्क्स का आएगा आपका, और मैथ का 30 मार्क्स का आपको नोट्स देखने को मिलेगा, और प्रैक्टिस सेशन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, टेस्ट सीरीज और PDF दोनों माध्यम में। उसी प्रकार से अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका साइंस एंड मैथ का सेक्शन देखने को मिलेगा और सोशल साइंस टीचर का अलग से सेक्शन देखने को मिलेगा। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट ऐड है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और आपका पॉलिटिकल साइंस। साइंस में भी आपका मैथ एंड साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ है, 60 मार्क्स कवर होगा आपका। सोशल साइंस में भी यहाँ 60 मार्क्स कवर होगा, और CDP भाषा तो इंक्लूड है ही, इसमें किसी में भी क्षेत्रीय भाषा इंक्लूड नहीं है। साथ ही जो लोग दोनों पेपर लेना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों अवेलेबल है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ अगर लेते हैं आप तो टोटल 30 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, पेपर 1 का 15, पेपर 2 का 15 टेस्ट सीरीज अलग से, और साथ ही साथ जो कंटेंट होगा वो उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा टाइम टू टाइम। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलता है कल के सेशन में। और जो भी आपका डाउट है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप बताइएगा, डाउट का सोल्यूशन किया जाएगा। बहुत कोई को डाउट आ रहा था कि JTET कब होगा, बहुत ही जल्द JTET का नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि इस बार का जो नियमावली बना और बहुत ही जल्द आपका झारखंड में चुनाव भी होने जा रही है, तो हो सकता है कि चुनाव से पहले ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। बट आपको क्या करना चाहिए, तैयारी करते रहना चाहिए, सो दैट JTET ही नहीं बाकी एग्जाम्स में भी इन सारे नोट्स से आपको हेल्प मिलेगी। आगे आने वाले टाइम में आपका DSSB का वैकेंसीज देखने को मिलेगा, आपको NVS का वैकेंसीज देखने को मिलेगा, तो इन सारे एग्जाम्स में ये सारे नोट्स आपको काम आएगी। ऐसा नहीं कि एक बार आप नोट्स लेंगे तो सिर्फ JTET के लिए काम आएगा, आप नोट्स का क्वालिटी को देख सकते हैं। जिस प्रकार से नोट्स आपको यहाँ दिख रहा है, इसी प्रकार से नोट्स आपको प्रोवाइड भी कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।